welcome Siddharth as Teddy Bear and Bharti as Target. यार मैं किधर फंस गया यार अर्चना जी, यार जब से टेडी बेयर बना हूँ ये बच्चों लोग बहुत तकलीफ देते। अच्छा मैं टेडी बेयर किसने बना मालूम है आपको? मैंने सुना कि टेडी बेयर बनने टेडी बेयर को सुंदर सुंदर लड़कियाँ ऐसी लिपट के सोती है। सच्ची में इसलिए बना था, ये रोशनी को पूछो। हाँ ये भी टेडी बेयर को लिपट के सोती है। सच्ची में दिखते तो बच्ची है लेकिन सुबह आप देखेंगे तो टेडी बेयर के इधर के बाल उखड़े हुए, इधर के बाल उखड़े हुए। क्यों बेटे रो क्यों रहा है? अरे पागल मैं रो नहीं रहा, ये मेरा स्टाइल है, मैं हंस रहा हूँ। वाओ वाओ फंटास्टिक टेडी बियर। अबे सोहेल भाई ये तो बिल्कुल आपके जैसा हंसता है। मैं उनका बेटा हूँ तो उनके जैसे ही हंसूंगा पागल। हाँ डैड व्हाट्सअप, एक मिनट आपकी इंग्लिश की किताब इधर है मेरे पास, आप घर बुलाए थे, आप कॉमेडी सर्कस के कमेंट इंग्लिश में कैसे दोगे? तुम सोहेल भाई के बेटे हो? हाँ जी। तो इतने लंबे लंबे कपड़े क्यों पहन के आए हो पार्टी में? ये बात तुम मेरे डैडी से नहीं पूछ सकते कि वो कॉमेडी सर्कस में मेरी चटिया क्यों पहन कर आते हैं। तो सच्ची में सोहेल भाई का बेटा है? हाँ जी। तो किसके साथ आया है? मैं अपने डैड सोहेल खान के साथ आया हूँ। तो वो है किधर? अरे वो अंधेरे में कुर्सी पे खड़े होके नाच रहे हैं। कुर्सी पे खड़े होके क्यों? अरे बाबा नीचे नाचेंगे तो उनको कौन पहचानेगा कि वो सोहेल खान है। और अब तो हालात यहाँ तक आ गए हैं साथियों कि उन्होंने अपने पासपोर्ट में नया फोटो लगाया है, वो भी ऐसे कुर्सी पे खड़े होकर। ए बेटा आजा, ए पप्पी ले ले चले। पता ये कुर्सी में बार बार खड़े हो जाते हैं। डैड मेरा स्कूल में इतना इंसल्ट होता है। टीचर मेरे को बेंच में खड़े कर देती है, कहती बाप बेटे दोनों एक जैसे हो। अच्छा चल जा जा खेल जा, चल दूसरे बेटे के। मैं नहीं खेलूंगा। अरे मैं तो तुम्हारे साथ ही खेलूंगा। अरे यार अरे सॉरी, इधर कितने बच्चे किस किस के साथ खेलूंगा? वैसे अर्चना जी कंफ्यूजन ही है, कोई बच्चा है पता भी नहीं चलता कि कौन बच्चा है कौन नहीं है। अभी दारू के काउंटर पे एक बच्चा था, मैंने बोला है बच्चा दारू के काउंटर पे क्या कर रहा है? तो बोला उतरी तुम इससे बात कर, मैं आमिर हूँ। अभी अर्चना जी का बेटा मेरे पास आया डैडी डैडी करके, मैं बोला मैं तेरा डैडी नहीं हूँ, तो बोला सॉरी अंकल मेरे डैडी तो मिकी माउस बन के घूम रहे हैं। बोले अबे हंस क्यों रहा है तू? चल तेरे को स्कूल नहीं जाना, चल स्कूल जा, चल जा, चल। मैं खान्स का बेटा हूँ, स्कूल जाऊं चाहे ना जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अंकल मैंने अपना फुल होमवर्क किया है, मैंने अपनी सारी पोएम याद की है, सुनाऊं? अभी सोहेल खान का बेटा तेरे को ना बोलेगा, सुना भाई। सुना फिर मेरी पोएम। हुड़ा हुड़ा दबंग दबंग, हुड़ा हुड़ा दबंग दबंग, मन बलवान लागे चट्टान, हुड़ा हुड़ा दबंग दबंग। अबे ये पोएम थोड़ी, ये तो गाना है। अरे हमारे स्कूलों में सिर्फ खान्स की फिल्म की पोएम बनती है, क्यों भाई लोग ताली बजाओ। हाँ जी ऐसे ही प्रमोशन करते हैं हम अपनी फिल्मों की पोएमें बना बना के। और दूसरा कौन सी पोएम है मेरे को बताओ। एक और सुनाता हूँ। हाँ। ठीक है। मुन्नी मुन्नी यस डार्लिंग, हुई बदनाम नो डार्लिंग, हैविंग नो डार्लिंग, ओपन योर माउथ, हा हा माइंड ब्लोइंग। ये जो लास्ट वाली लाइन थी ना, हा 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 माइंड ब्लोइंग, ये ना मैंने अर्चना आंटी के बेटे की किताब से चुराई थी। मुझे भी पता चल गया है कि सोहेल खान के बेटे को कुछ नहीं आता। ए, क्या कर रहा है? खान के बेटे को तूने ऐसा कहा? हमको सब कुछ आता है समझे। और हमारे घर में जो कार्टून आता है ना जंगल बुक, उसमें भी मोगली नहीं जीता, शेर खान जीतता है। क्यों? क्योंकि मेरे डैड की नई फिल्म आने वाली है शेर खान। अभी लेकिन फिल्म आई नहीं, तू अभी से प्रमोशन करने लगा। हाँ जी, मैं कृष्णा से और अर्चना आंटी से दो कदम आगे रहूंगा। देखो भाई लोग
मेरा डैड न्यू फिल्म बनाने वाले हैं शेर खान, और उसका सेट यूएसए में लगेगा, और उसमें मेरे चाचू सलमान बहुत अच्छा काम करेंगे। ताली बजाओ। सच्ची में? हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हमने अंकल 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। 300 करोड़ का? हाँ जी, आपको बुला रहे। डैडी अगर झूठ बोलना तो अच्छी तरह बोलो, है ना? हाँ जी। अबे वो तो ना बोल रही है। क्या हुआ? नहीं बुलाया, बोली। अच्छा लगा। और वैसे भी जो मैं ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ इसलिए कि मैं बड़ा होके अपने डैड की तरह बनना चाहता हूँ, एक्शन हीरो। एक्शन हीरो? हाँ जी। पलटो जरा, ये देखो। अबे इतने जोर से क्यों मारा? अरे अपने डैड की तरह बनूंगा। इधर आओ, एक बात बताऊं। एक दिन मैं अपने डैड की शूटिंग पे गया। हाँ। डैडी हीरो को एक्शन सिखा रहे थे। हाँ। डैडी घुटनों के बल, हाँ, 3 माले से नीचे गिरे। हीरो को पूछा, एकदम ऐसे ही गिरना है? हीरो ने कहा ठीक है सर, गिरूंगा। कहते उससे पहले डॉक्टर को फोन कर, सोहेल खान घायल हो गया। अबे अभी जल्दी से नंबर मांग, नहीं तो हमको घायल कर देंगे। एक मिनट, कौन घायल करेगा खान के बेटे को? हैं, ठाकुर जब दादू बना था, चाचू बना था, तो डैड ने 10-10 नंबर दिए थे, और आज तो मैं वैसे भी इनका बेटा बना हूँ। अगर इन्होंने कम नंबर दिए ना तो मैं सीधा घर जाके मॉम को बोल दूंगा, मॉम डैड का चक्कर रोशनी से चल रहा है। और फिर देखना मम्मा क्या कुर्सी पे खड़े होकर डैड को धोती है, ये तो फिर डैड जानते हैं, या फिर डैड का पिछवाड़ा। ओके डैड, तो बताओ कैसा लगा हमारा एक्ट? यार बेटे बहुत बढ़िया। तो डैड बताइए दीजिए कि आपको कैसा लगा आपका क्यूट क्यूट बेटा और ये क्यूट क्यूट एक्ट? बहुत ही प्यारा एक्ट था। मेरे बेटे का नाम निर्वाण है। 2 बेटे मेरे, एक 5 महीने का है, तो मुझे नहीं लगता कि आप वो प्ले कर पाओगे, बिकॉज वो कुछ अभी तक कुछ बोलता भी नहीं है। लेकिन एज अ नाइट मैं जाता हूँ इन पार्टियों के लिए जो आप, इनफैक्ट निर्वाण की सोशल लाइफ मुझसे ज़्यादा है, क्योंकि वो हर वीकेंड पे कोई ना कोई पार्टी पे इनवाइट होता है। तो जो आपकी हालत हो रही थी ना सिद्धार्थ, वो मैंने देखी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक्ट देखने के बाद सबको ये जान जाना चाहिए, तो एक्टर से लेके एक्ट्रेसेस लेके प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर जो भी हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, इंक्लूडिंग अर्चना मैम, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग सुरेंद्र पाजी, इंक्लूडिंग एवरीबॉडी, क्या इट्स ऑल डन इन गुड टेस्ट एंड इट इज ऑल एग्जैजरेटेड, वेरी एग्जैजरेटेड, बिकॉज ये और ये एग्जाम्पल है, क्योंकि निर्वाण ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये एक्ट देखने के बाद सबको एक सुकून होना चाहिए कि बस अगर मेरा मजाक उड़ा रहे तो इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ यू ओनली गिविंग अ ट्रिब्यूट, हम मजाक नहीं उड़ा रहे, क्योंकि इट इज जस्ट नॉट टू बी टेकन सीरियसली, अर्चना इन टोटैलिटी इट वॉज एन एंटरटेनिंग एक्ट और एक फ्रेशनेस थी इसमें। थैंक यू सो मच। तो अर्चना, निर्वाण की रिपोर्ट कार्ड में आप कितने नंबर्स दे रहे हैं? 9 पॉइंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।